आइए, अब इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा News24। प्रशांत जी, आप जी पूछिए। सर, पहले तो मैं फर्स्टली ये है कि क्वेश्चन से भी ज़्यादा मैं अपने व्यूज ही एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो इफ़ आई हैव योर परमिशन। नहीं, दिस इज एक्चुअली आई टेल यू, क्वेश्चंस की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें व्यूज की जरूरत है, क्योंकि मेरी कोई इसमें यस सर एक्सपर्टीज नहीं है। इसकी सबके हमारी जी एक जो नॉलेज है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर है। तो मैं जैसे तैयार जी होकर सर आता हूँ कई बार इस प्रोग्राम के लिए, मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। जिसके अपने एक्सपीरियंसेस वो शेयर करें और किस तरीके से यूनाइट होकर के इस चीज को काउंटर कर सकते हैं। प्लीज कम ऑन। जी सर, जो अभी उदय जी ने बात कही थी और जो शायद अभी संजीव सर भी जिस पर पहले कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम आज़ादी के टाइम से ही चल रही है, तो ये बात 100% इट्स ट्रू, क्योंकि ये गांधी जी ने भी बोला था क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए कि एवरी टाइम क्रिश्चियन मिशनरी और एन इवेंजेलिकल कम्स, ही नॉट ओनली कम्स विद द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मेकिंग लाइफ बेटर फॉर द पुअर एंड फॉर द डिप्राइव सेक्शंस, बट ही ऑल्सो ब्रिंग्स एन एडेड कल्चरल इंसल्ट विद हिज प्रीचिंग्स एंड विद हिज फॉल्स प्रोपेगेंडा। ये बात तो बिल्कुल सच है, और मदर टेरेसा जिसको कैनोनाइज कर दिया वेटिकन ने, शी इज द पोस्टर चाइल्ड ऑफ दिस नेफेरियस मिलिशियस एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन। ये बात तो पक्का, ये वन एंड ट्रू ट्रू। रही बात मोस्टली सर, ये तो अभी भी क्रूसेड मेंटालिटी में जो है वो लटके हुए हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही पहले से ही ऐसी रही है, चाहे वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने की बात हो, चाहे वो होली लैंड को कंटेस्ट करने की बात हो, चाहे वो जेरूसलम पे ऑक्यूपेशन की बात हो, क्योंकि इब्राहिमिक फेथ का ही सर ये कंसेप्ट रहा है। और इंडिया का जो है वो जो भी डिक्लाइन हुआ है वो इन्हीं के ऑनसेट से ही हुआ है। दिस कैनॉट बी कंसील्ड एनी मोर। ये बात तो सच है। अब सर हमारे लिबरल्स जो है वो ये बात भूल जरूर जाते हैं कि हमारे जितने भी जो सेक्युलरिज्म था वो वेस्ट में ही क्यों डेवलप किया गया था, क्यों क्यों वहां पे जरूरत पड़ी थी स्टेट को और रिलीजन को जो है वो सेपरेट करने की। प्रशांत, तुम्हारी कुछ आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है बीच में, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ थोड़ी है बीच में गायब हो रही है नहीं? थोड़ा सा अपना वो नेटवर्क देखो, फिर उसके बाद सीधी सी बीच में आओ तो नेटवर्क बेटर। हाँ, तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है प्रशांत, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। ओके सर, इज माय वॉइस रीचिंग आउट टू यू नाउ? नाउ इट्स रेडी, नाउ इट्स कमिंग। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म को डेवलप करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि चर्च का इन्फ्लुएंस सब मिडिस में जो था वो घुस गया था। तो इंडिया में जो है वो सर प्रॉब्लम ही यही आई कि जब आजादी हमको मिली थी तो फेबियन स्कूल ऑफ थॉट एंटर्ड आ पावर स्ट्रक्चर और वो पूरी कंप्लीटली दे वर कट ऑफ फ्रॉम आर एंशियंट कल्चर एज वेल। तो यही प्रॉब्लम है सर कि अप अंटिल नाउ देयर हैज बीन अ वन साइडेड टेलिंग ऑफ आर पास्ट। तो दिस देखो दैट इज वेयर द कोर प्रशांत, प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम। देखो बात ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा ज्यादा दिखने शुरू हो गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं नहीं जानता कि क्या रीजन है, लेकिन आजकल जिस तरीके से ओपन तरीके से कन्वर्शंस आ रही है या सोशल मीडिया की वजह से इस पे हाईलाइट किया जा रहा है ओपनली, जबकि हमारा मीडिया इसको कवर नहीं करता। यहाँ पे न्यूज आती है, कहीं पे 200 फैमिली हजारों ही कन्वर्ट हो गई, कहीं पे कुछ हो गया। और दूसरी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, कभी भी हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। आंध्रा में चल रहा है आपका, तेलंगाना में चल रहा है आपके, दूसरे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इसको टोटल सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम तो सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं कन्वर्शन, लेकिन दूसरे जो हिंदू करते हैं, जैसे आपके समाजवादी पार्टी के लीडर, इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो कन्वर्शन हो रही है, कोई कन्वर्शन नहीं हो रही। आंख बंद कर लो, क्योंकि उनको लगता है कि उनको उनका एक बेस बनेगा, वोट का बैंक बनेगा। और ये सारी की सारी पार्टीज आजकल एक माइनॉरिटी को वोट बैंक बना करके उस पर काम कर रहे हैं। तब तक ये News24 आप आइए, आपसे बात करते हैं, गिव योर व्यूज सर, ओपन व्यूज। असुल साहब नमस्कार। मेरा नाम सुनील शुक्ला है, मैं मुंबई से हूँ। जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ का जस्ट आपको बताना चाहता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया जो हैं, चाहे बस्तर हो, जसपुर हो, ये जो पूरा सरगुजा एरिया हो, कोरबा जिला, जितने भी आदिवासी एरियाज हैं, आज वहां पर हर छोटे छोटे जंगली एरिया में चर्च बने हुए हैं, और उन चर्चों के माध्यम से उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया। मैंने नहीं देखा कि किसी भी गवर्नमेंट ने उनको रोका हो। आज बड़े से बड़े चर्च और सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं,
पॉलिटिकल जो जो डेमोग्राफी है चेंज हो चुका है। सेम मैं भी मुंबई की बात कर रहा था, और हम बात करते हैं यूनाइट की। मैं आज बात करता हूं कि जब मैं मुंबई के एक वासी में केस हुआ था, और कि जिस जिसमें एक लड़की एमबीए की हुई लड़की थी, और वो जाती है पार्लर में और अपना नंबर देती है, व्हाट्सएप करती है। बाद में उसका नाम होता है अजय, बाद में चलता पता है कि नहीं उसका नाम कुछ और था, मुस्लिम था। उसको वहां पर जिस तरीके से परेशान करते हैं, और फिर बाद में डर के वो लड़की आती है और वासी स्टेशन पे आती है, पुलिस स्टेशन पे। जैसा केस होता है, जिस दबाव में भी केस दर्ज नहीं होता है, बाद में फिर देवेंद्र फडणवीस और डीजीपी के इंटरफेयर से जब 2019 में होता है, ऐसे करीब 29 केस ऐसे मैं जानता हूं जिसमें 6 केस रजिस्टर्ड हुए। ये धर्मांतरण करने का जो अलग अलग तरीका है, जब हम इसके ऊपर लिखते हैं तो होते हैं ट्रोल, जब हम उसके ऊपर लिखते हैं तो हमारे के सारे जो हमारे मीडिया है धमकी दी जाती है। जब मैं पालघर केस को उठाया था सबसे पहली बार, मेरे 7 रिपोर्टर, जिसको अभी मैं स्टार्टअप है, और 7 रिपोर्टर डर के मारे छोड़ दिए। जब हम कुछ सच्चाई लिखना चाहते हैं तो बंद हो जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मराठवाड़ा में जगह है परभणी, जब आपने सुना होगा कि 80 करोड़ वहां से चावल दाल सबको भेजा गया, जिले में जिले से ट्रांसफर होता है, जिले में आने के बाद वो पूरा पूरा 1 भी किलो किसी को नहीं जाता है, सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। जब इसको मैंने एक्सपोज किया, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस तरीके से आप किस देश में रहते हैं। सोच साहब, आप दिल्ली में हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हम जैसे लोग जो इस चीज को एक्सपोज करते हैं, हमारी स्थिति क्या होती है कि लगता है कि क्या हम अपने कंट्री में हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री में हैं। जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं, अभी आज न्यू बॉम्बे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ, धर्मांतरण के लिए अभी पेंडेमिक के टाइम पे सेवा के नाम पे कई ऐसे लोगों को गांव में जा जाके उनको वहां पर फोटो दिया गया है, धर्मांतरण किया गया है। तो अलग अलग तरीके से हो रही है। डीआरआई ने 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, इतने इतने सिक्योरिटी होने के बाद भी इस ड्रग्स के इनके जो पैसे आते हैं, फंडिंग आते हैं इस, और ये फंडिंग हम जैसे लोग जो अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें संघी बोल देंगे। यदि हमने कुछ भी ऐसा बात किया, बोले बीजेपी का है, हमने यदि बीजेपी किसी भी यदि कुछ उसने गलत काम किया है, फिर ऐसा कुछ होता है तो बोलते हैं कि ये तो लेफ्ट विंग का है। सुध साहब, हमारे देश में मैंने जो शुरुआत किया है, मैं सोल्यूशन पे बात करता हूँ, जो मैंने शुरुआत किया कि अपने घर से जन्मदिन मनाया वैदिक परंपरा पे, और हर साल जब घूमने जाते हैं तो अपने प्राचीन हिस्ट्री के जितने टेम्पल है वहां जाते हैं। ये हमने शुरुआत किया, अपने दोस्तों को बोला कि आप अपने बच्चों को वहां ले जाओ, जब तक दिखाएंगे नहीं। अभी संजीव साहब बोल रहे थे, सर आप मेरा एक आर्टिकल पढ़िएगा, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जब मैंने इसको पढ़ा था, रिसर्च को दिया था, कि वैदिक काल में ऐसी हमेशा बोला जाता है कि यहाँ पर जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत खराब है हिंदू में। मैंने लिखा था कि वैदिक काल में भारत के महिलाओं का कितने, मैंने रिसर्च करके और दिखाया था कितने ऐसे शास्त्र, कितने ऐसे पुस्तक उन्होंने लिखी थी महिलाओं ने, उनका पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है और मैंने उनको शो किया था। तो जब आप आधा घंटा, मैंने बोलता हूँ कि आधा घंटा अपने हम अपने कल्चर को, हम अपने प्राचीन ग्रंथ को पढ़ेंगे, तब शायद हम उनको असर दे पाएंगे। और आज के समय पे शुरुआत हमने की है सुध साहब, अभी भी नहीं डर रहा हूं मैं मुंबई में, लेकिन एक ऐसा माहौल है कि आप जब तक चापलूसी नहीं करेंगे एक दूसरे का, तब तक आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे और आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। जब मैंने पालघर के केस में किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, जबकि उसके सच्चाई को मैंने उजागर किया, ऐसे कई लोग वहां गए थे, सब वापस आ गए। तो ये जो डर का माहौल है सुध साहब, इस चीज पे मेरा आपसे सवाल है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको जब से फॉलो कर रहा हूँ तब से हमारे बहुत सारे व्यूवर भी कम हो गए हैं आपके जो पहले थे। तो ये सब जो हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्यों हमारे हम लोग होते हैं ट्रोल होते हैं, या फिर हमें कोई जितना जितना सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, लेकिन वही यदि मैं लेफ्ट की बात करूं, देश विद्रोही बात करूं मैं, तो सर जी हमारा बहुत अप्रिशिएट होता है। अब आप देखिए, नाम क्या बताया आपने अपना? सुनील शुक्ला सर। अच्छा सुनील, सुनील जी ऐसा है कि देखिए, मेरा जैसे चैनल है, ये मेरा चैनल पिछले 7 महीने से 1,92,000 पे रुका हुआ है, ठीक है? और इसके बाद क्या है कि इवन आप देखिए कंट्री में बैठे हैं, हमारी कंट्री में कैसा होता है। और इवन अगर मैंने अभी कल एक वीडियो रिलीज किया आमिर खान के ऊपर, मेरे इस चैनल पे वो वीडियो चला, 4,000 लोगों ने देखा। यही वीडियो एक मैंने किसी और के चैनल पे दिया, जिसके अंदर सिर्फ उसके
या वैसे मेरा ही चैनल है वो, एक मैंने शुरू किया है, मेरे 1100 फॉलोअर्स हैं, उसके अंदर वो वीडियो 9000 दिखा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, इसके वीडियोस को ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक कौन करता है? यूट्यूब पे जो लोग बैठे हैं वो ब्लॉक करते हैं। मतलब अगर बेसिकली वीडियो चलेगा 400 लोग तो दिखाएंगे 200 लोग, और दूसरे चैनल पे चलेगा तो उस पर आकर के, मतलब जिसमें फॉलोअर्स नहीं है वहां पे चल रहा है। तो यहाँ बेसिकली आप देखिए किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन। और फिर आप किसी से बात कीजिएगा, अगर आपको कोई अगर होगा तो केजरीवाल वो आपको सपोर्ट करेगा, कांग्रेस वाले वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप नेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई बात नहीं, नहीं सपोर्ट करेगा तब भी हम चलेंगे। और एक आपका जो हमारा नीचे का नंबर है उस पर एक मैसेज दे करके, अपना नाम दे के मैसेज दीजिएगा, ताकि हो सके आपको हम कॉन्टेक्ट करेंगे किसी इशू के ऊपर। क्योंकि वैसे मैंने पाल घर के ऊपर भी दो वीडियोज बनाए थे, जी असुद साहब, मैंने असुद साहब मैंने असुद साहब मैंने आपके रेफरेंस को लेकर एक आपके मैंने व्यू को देख के एक रिपोर्ट लिखा था कि एनके सुद साहब जब देश की और राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आज लोगों में एक जागरूकता फैला रहे, सच्चाई बता रहे हैं, तो किस तरीके से उनके चैनल को भी आज ब्लॉक किया जा रहा है, कैसे ट्रोल किया जा रहा है, सर इसके ऊपर मैंने लिखा था और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा वीडियो और उस टाइम पे मेरा ट्विटर हैंडल वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, क्योंकि मैंने आपके केस के साथ साथ पालघर केस को भी इंक्लूड किया था आप ही के वर्जन को लेके। तो जी। मेरा सवाल से तो सर, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, पूरे एंटायर फैमिली मेरी आर्मी में रही है, तो मैं कभी डरता नहीं हूँ सर। मुंबई में रह के अभी मैंने खुद का स्टूडियो शुरू किया, खुद का लिखना शुरू किया अपने जॉब के साथ, और दो तीन चीज मैंने शुरू किया, जैसे सर यहाँ पर एक इस्लामिक संगठन IAS एकेडमी ओपन की है और बकायदा उनको पढ़ाती है। संजीव जी आपको बोलना चाहता हूँ कि उन लोग अलग अलग अपने कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं, उनको IAS में डिफेंस में भेज रहे हैं। मैंने भी शुरू किया सर कि मैं सबसे पहले मेडिकल में 40 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका फीस हम पे करेंगे, हम सबसे कट करेंगे, उनको MD जो MBBS कर रहे हैं MD बनाएंगे, ऐसे अलग अलग IAS एकेडमी लेके आएंगे, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता, उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन छोटे से शुरुआत हमने यहाँ पर कर दी है, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे साथ रुक नहीं पाएंगे। एक है कि सर अपने बच्चों को अभी अब 10 से 12 फैमिली शुरू कर दी है सर, अपने कर्नाटका से लेकर जितने भी मंदिर है, प्राचीन जो अपने जगह है, हर जगह घूमना शुरू कर दिए, उन बच्चों के अंदर सर ट्रिमेंडस चेंज आया है सर। तो मुझे लगता है सर कि ये चीज को जो हमने शुरुआत किया है उसको कंटिन्यू करूंगा और लिखते रहूंगा सर, जहां पर भी गलत होगा लिखते रहूंगा। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा करिए ना कि इनसे अपना संजीव जी से रास्ता रखिए, अपना आपस में एक दूसरे से बात करिएगा, हो सके नंबर चेंज कीजिएगा ताकि हम एक दूसरे पहुंच पाए। दूसरी बात क्या है कि मैं भी अभी बेसिकली प्लान कर रहा हूँ कि जगह जगह इंडिया में, चाहे हिस्टोरिकल जगह हो, जो हिस्ट्री की जगह वहां पे हमारे मंदिर भी हैं, तो वहां विजिट करके वहां पे भी लोगों को बता के वीडियो करूँ। क्योंकि मैं, मुझे याद आता है कि मैं जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड गया तो वहां पे कुछ देखा, मैंने कुछ सीखा वहां से क्या है। फिर मैं जैसे इधर गया आपका ओरछा, ओरछा गया तो ओरछा के अंदर मुझे दिखा किस तरीके से वहां पे राम मंदिर की पूजा होती है। और जो लोग ये राम मंदिर की बात करते हैं कि वहां पे आपका पहले मस्जिद थी, और जबकि वो बात करते हैं उस टाइम से वहां पे राम मंदिर उससे पहले से था, इसकी आपको ओरछा के अंदर विटनेस पूरी मिलती है। तो खैर उसके ऊपर मैं दोबारा से एक करके ना एक स्पेशली प्रोग्राम करूंगा ताकि लोगों को बता पाऊं। लेकिन कुछ भी है, आप भी लगे रहिए, हम भी लगे रहे और कोशिश करेंगे कि मिलके कुछ काम करें। मैं संजीव तो दिल्ली में है, तो इनसे बात करके आप भी इनसे हो सके तो किस तरीके से नंबर अपना एक्सचेंज कीजिएगा, तो हम आगे बात करते हैं। बीच में आप जो चैट बॉक्स है उस पर नंबर डाल दीजिए, उसमें नंबर तो नीचे डाला हुआ, नीचे नंबर डाला हुआ। सर मेरा जो एक सवाल है सर, जो ये क्रिश्चियन कन्वर्शन जो होता है इंडिया में सर, पोप क्या पोप भी डायरेक्टली लाइक रिस्पॉन्सिबल है लाइक कन्वर्शन बिजनेस में? अब सुजाता मेरे इस बारे में नॉलेज नहीं कि पोप इसमें इन्वॉल्व होगा। देखिए बेसिकली जो अब इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, मेरा बेसिकली सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारे बारे में किसने कमेंट्स में लिखा था, सुनो तुम्हारे बारे में किसने कमेंट्स में लिखा था, तो मैंने कहा तुम्हें जरूर बताऊंगा। कहते कि जब ये सुजाता जो बात करती है ना उसे कहिए कि कैमरे को फेस करे, तुम अपना मुख ऊपर करके सोचते सोचते कभी बात करती हो तो लुक फॉरवर्ड है नहीं। अच्छा योगेश आप आएंगे? यस सर। हाँ गुड इवनिंग सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, माइक कैमरा दिख रहा है? नहीं कैमरा नहीं, आपका आवाज आ रही है, आप आ रही थी, अब आप भी आ गए, ठीक है। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सबने अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करे, तो मेरा व्यूज एकदम इन सबसे उल्टा है। मेरी एज 20 ईयर्स है सर, ज्यादा है नहीं, पर
सबने कहा है कि क्रिश्चियन स्ट्रॉन्ग है, कन्वर्जन होते हैं। आपने कभी इंडियन कन्वर्जन, हिंदू कन्वर्जन नाम सुना है? सब लोग ने कहा क्रिश्चियन कन्वर्जन होते हैं, मुस्लिम में कन्वर्जन होते हैं। सर मेरा ये मानना है धर्म में दो चीज होती है, एक होती है कि भगवान पे भरोसा, कि आप भगवान को कैसे मानते हैं, मतलब किस किस रूप में मानते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने हमारे यहाँ बहुत वो होती है, यहाँ इस्कॉन का मंदिर है तो अच्छा लगता है। एक सर होता है कि जहाँ पे इंडियंस बहुत स्ट्रांग है इस पॉइंट पे कि बिलीफ ऑन गॉड्स क्या है, सोल क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस चीज में बहुत स्ट्रांग हिंदू। लेकिन सर एक मेरा मानना है कि दूसरा एंगल भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवर टेम्पल प्रिस्ट, टेम्पल में जो वेल्थ का मैनेजमेंट है और टेम्पल में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा या वेल्थ जो वहां चढ़ावा आ रहा है वो किस चीज पे खर्च करा जाएगा। हर एक कम्युनिटी ने सर दूसरी कम्युनिटी पे बहुत लड़े थे ना। हाँ, लेकिन मैं एक तुम्हें छोटी सी बात बताऊंगा। शुरू में 100 हिंदूज भी गए होंगे सर लड़ने। सॉरी सर आपकी आवाज नहीं, मैं बीच में सिर्फ एक हल्की सी बात कह रहा हूँ कि बीच में संजीव जी आप भी सुन लीजिएगा कि आरएसएस पे एलिगेशन लगी है कि आरएसएस मंदिरों का चढ़ावा लेकर के मस्जिदों को बांट रही है। बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया टेंपल के पीस ने इसके ऊपर। सर ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जैसे किसी वो टेंपल को ले लिया सरकार ने तो फिर वो ट्रस्ट अब किसी दूसरे ट्रस्ट को बजरंगबली के नाम पे डोनेशन देगा, खाली नाम बजरंगबली ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो पूरा क्रिश्चियन के कंट्रोल में होगा, बस खाली नाम बजरंगबली होगा और हिंदू से पूछो क्या है क्यों है हमें कुछ नहीं पता। सर हमारा मेरा ही मानना है कि अगर हम जैसे शुरू में बहुत लड़े होंगे कम्युनिटी में तो 100 लोग गए होंगे, लेकिन जब वो 100 लोगों में से 20 मरे होंगे सर, शहीद हुए होंगे, तो क्या हमारे मंदिरों के पुजारियों ने कभी उन 20 लोगों से जाके मदद करी जो उनके पास वेल्थ थी, जमा चढ़ावा आया था जो भी आया था? सर सिख की कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है, इसलिए आज सिख 5% होंगे पूरी इंडियन पॉपुलेशन का, लेकिन अफगान से भी लड़े हो, वहां ब्रिटिशर्स भी उतने अच्छे से राज नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो सिखों ने अंग्रेजों को मजबूर करा था बनाने के लिए, इससे क्या होगा कि हमारे आज सरकार हमारे मंदिरों को लूट लेती है। सर बीजेपी, मैं उत्तराखंड से हूँ, बीजेपी ने उत्तराखंड में केदारनाथ ये वो सब लूट के एक बोर्ड बना दिया है कि देवस्थानम बोर्ड, अब सारा कंट्रोल हमारा हो गया। तो हिंदू के जो वो हम लोकल डिवोटीज हैं उनका घंटा कुछ हुआ ही नहीं उनका, उनसे कह दिया तुम जाओ, पुजारियों से कह दिया थोड़ा बहुत पैसा हम दे देंगे, पूरा कंट्रोल हमारा। अब जो भी वहाँ टेम्पल में चढ़ावा आएगा, जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वेल्थ का मैनेजर होगा, जो एक पुजारी दूसरे पुजारी को अपॉइंट करेगा, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। अब वैसे तो एक बात बताऊं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट बनाया और इसको गवर्नमेंट दोबारा से अंडू कर रही है, जो ये हुआ है ना। हाँ सर कुछ लोगों कर रही है, पर वो धीरे धीरे भगवान जाने कब तक होगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन भी लगाई थी सर हाई कोर्ट पे। छोड़ो सुब्रमण्यम स्वामी साहब के बारे में तो बात मत करो, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बड़े देश की सेवा कर ली, जितना भी देश का नुकसान कर सकते थे वो कर चुके हैं, उनके बारे में तो बात छोड़ दो। अगर आप ऐसा करो मेरे उसके कुछ वीडियोस हैं वो देख लो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया है, तो पिटीशन लगा देंगे। पिटीशन लगाने के बाद ये धंधे में पड़ जाते हैं कुछ, इनको एक्चुअली क्या है 82 साल के हो गए, अगले साल इनका नंबर आ रहा है राज्यसभा का, राज्यसभा में इनको सीट नहीं मिलेगी और इनको इसीलिए धक्का लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी पिटीशन लगा देते हैं, कुछ जिंदगी में अच्छे काम भी कर ले इनसे कहो, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है कि इनको चाहिए मकान, गवर्नमेंट का अकोमोडेशन मिली है सेंटर में पंडार रोड में, चाहते हैं 6 साल के लिए उसमें बैठ जाऊं, चाहे 90 साल की उम्र हो जाए लेकिन वहीं बैठना चाहते हैं, स्टाफ मिल जाता है, पैसे मिलते हैं, तो इनका छोड़िए पिटीशन लगाने का। खैर गवर्नमेंट ने काम पिटीशन पे नहीं होगा, ये गवर्नमेंट अपने आप करेगी। मैं कहता हूँ हर्षल जी आप